सबसे मुश्किल सवाल क्या है, तो मेरा जवाब नुमा सवाल होगा कि आखिर आपने आज तक जिंदगी में क्या हासिल किया है। मुमकिन है ये सवाल अगर आप किसी सेठ नुमा शख्स से पूछें तो वो किसी फिल्मी डायलॉग को दोहराते हुए कहेगा कि मेरे पास कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, लिहाजा तुम अपना सवाल अपने पास ही रखो। और अगर ये सवाल आप किसी ऐसे नौदौलती से पूछें जिसका बाप ताज़ा ताज़ा फौत होकर उसके लिए 500 मुरब्बे ज़मीन छोड़कर गया हो, तो ऐसा शख्स कहेगा कि मेरा ज़िंदगी से क्या लेना देना, मुझे तो जो कुछ मिला मौत से ही मिला है। तो इस किस्म के बदकुमाश जवाबात जो हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपने ज़िंदगी में क्या किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि फी ज़माना तो ज़िंदगी गुजारना ही सबसे बड़ा जहाद है। अगर आजकल आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी फीसें अदा करते हैं और एक बाइज़त ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये कौन सा कम कारनामा है। ये बात यकीनन दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें एक नज़र अपने इर्द गिर्द भी दौड़ानी चाहिए। कराची की उस औरत को देखना चाहिए जो 3 रुपये में लोगों को मुफ्त खाना खिलाती है और उसकी खबर BBC में चलाई। हमें इस्लामाबाद के उस उस्ताद को देखना चाहिए जो गुज़श्ता 30 साल से खुले आसमान तले बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है और अपनी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा उनके ऊपर लगाता है। ऐसे उस्ताद की खबर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर अल जज़ीरा ने चलाई और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। तो हम में से वो लोग जो ये समझते हैं कि हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यही बहुत बड़ा कारनामा है, मेरा ख्याल है कि उनको अपनी मेहरबानों में झांक कर देखना चाहिए और ख़ुद से ये सवाल करना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी में